नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर अक्षय मित्र पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज राजस्थान के अंदर दोस्तों नामांकन कैसे खोलते हैं। दोस्तों सबसे आसान तरीका है दोस्तों आपको मेडिसिन खोलने का। चलिए दोस्तों, आप इसे अपने लैपटॉप पीसी फ़ोन से भी ये काम कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये अपने खाता अपना खाता चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नामांतरण कैसे खोलते हैं इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आप अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, दोस्तों गांव का नाम। जी हाँ दोस्तों, ये सब करने के बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। इसके पश्चात दोस्तों सबसे पहले आप इसमें काम करेंगे दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र, एक सर्जरा बनता है दोस्तों 50 के स्टाम्प पर, वो सर्जरा बनवा लीजिए दोस्तों। यहाँ सब फिल करने के बाद में दोस्तों आप फिल कीजिए दोस्तों, अपना जिला चूज कर लीजिए। जिला चूज करने के बाद दोस्तों अपनी जो तहसील होती है वो तहसील, वहसील और गांव सब दोस्तों आपको चूज करने हैं दोस्तों। ये चूज करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिए दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप दोस्तों मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल दोस्तों आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, और दोस्तों बीच बीच में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत दिनों बाद में दोस्तों इस चैनल पर वीडियो डाला है मैंने, अब दोस्तों इस चैनल पर अपन रेगुलर रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपको किस प्रकार का मेडिसिन तोड़ना है देख लीजिए आप, विरासत का है, हत्या का है, उपहार का है, बैंक से संबंधित दोस्तों। आप चाहे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसी प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा दोस्तों। दोस्तों हम विरासत का कर रहे हैं, विरासत में दोस्तों आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, एक सर्जरा होता है वो सर्जरा जरूरी है दोस्तों, और शपथपत्र दोस्तों एक शपथपत्र होता है नॉर्मल पटवारी से आप फॉर्म ले सकते हो या किसी भी मित्र पर वो फॉर्म आपको मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों सरपंच वगैरह या कुछ गवाह के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास दोस्तों खाते नंबर होना जरूरी है, नहीं तो आप सिंपल से दोस्तों नकल कढ़वा लीजिए पहले। नकल कढ़वाने के बाद में दोस्तों आप उसमें देखिए कि अपना खाता कौन सा, उसी खाते से आप अपना ऑप्शन क्लिक करेंगे तो बेस्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि खसरा नंबर में दोस्तों लंबा लॉन्ग पड़ जाएगा ये बात। चलिए दोस्तों, इसमें से मैं अपना एक खाता नंबर चूज कर लेता हूँ, जो भी मेरा खाता है 345 46, जो भी क्लिक करता है दोस्तों। दोस्तों मैंने 345 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल बारीकी से देखिए पूरा वीडियो दोस्तों, 5 मिनट का वीडियो, मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया वीडियो, क्योंकि मुझे पता दोस्तों ज़्यादा लॉन्ग करने के बाद में लोग वीडियो को नहीं देखते, इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट ही किया है ताकि आपको शॉर्ट में पूरा समझ में आ जाए दोस्तों। इसमें क्लिक कर दीजिए जिस व्यक्ति का जो दोस्तों खाता था उसका पूरा नीचे उस पर क्लिक कर दीजिए, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। कितने वारिस है दोस्तों आपके, वारिसान लिख दीजिए दोस्तों, 9 मेंबर है, 9 मेंबर का मैंने लिख दिया दोस्तों। इसमें पूरा नाम, पता, पत्नी, भाई, पुत्र सब लिखना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं एक बार इसको स्किप करके भर देता हूँ पूरा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसको भर दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे रुकमा पत्नी है और इसमें स्वर्गवासी पत्नी कर दिया दोस्तों मैंने, पिता पति का नाम लिखना था दोस्तों इसमें। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसमें कर दिया क्लिक, आप देख रहे हो दोस्तों। प्रकार से दोस्तों मैंने पुत्र, पुत्र, पुत्री, पुत्री सबसे प्रकार से 1/9 करना दोस्तों। इसमें से 1/9 के हिसाब से मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है दोस्तों। आप इसको बारीकी से देख सकते हो एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यही होती है कि कौन सा क्या नाम लिखना है, क्या उसमें दोस्तों संबंध बताना है, क्या संबंध नहीं बताना, दोविता, पुत्री, पुत्र, उस प्रकार से दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़िए दोस्तों। इसमें पति का नाम लिखना अनिवार्य होता है महिला के, बाकी दोस्तों आप अपनी बहनों के नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अपनी माँ के या फिर जो पत्नी होती है, चाहे आप मित्र वाली हो या फिर अदर हो, तो उसमें लिखना अनिवार्य हो जाता है। चलिए दोस्तों इसमें आप नाम लिख दीजिए दोस्तों, इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपके नीचे पेज खुलेगा, देखिए दोस्तों आप जिस प्रकार से दोस्तों, एक सेकंड में दोस्तों खुलने वाला है ये दोस्तों। आपका हो गया हिस्सा, इसमें दोस्तों कितना क्या हिस्सा किया आपको, इसमें सारी बारीकी से आ गई दोस्तों, सभी के 1/9 हिस्सा कर रखा है तो दोस्तों इसमें 1/9 एक प्रकार से अपना हिस्सा है, सभी मेंबर का इक्वल हिस्सा है दोस्तों, बराबर है। अब दोस्तों इस पर एक जो शुरू में दोस्तों अपन ने मोबाइल नंबर डाले थे उन पर एक OTP जनरेट होगा, और उनका OTP दोस्तों यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद में दोस्तों जो मैंने बताया था कि एक PDF बनेगा दोस्तों, वो PDF सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको दोस्तों। यहाँ पर OTP डालने के बाद में नीचे आपको PDF डालने के बाद में दोस्तों आपको सबमिट होगा, या तब तक सबमिट नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों मैं इसमें OTP डाल लेता हूँ एक बार, ये दोस्तों मेरे पास OTP आ गया। OTP डालने के बाद दोस्तों इसको वेरीफाई कर दिया मैंने, वेरीफाई कर दिया दोस्तों, ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों इसमें आप ये वो PDF बताया मैंने दोस्तों, शपथपत्र, सर्जरा, इस प्रकार से दोस्तों इसमें डालने हैं कमांड PDF करके। चलिए दोस्तों सब भी वारिसान के दोस्तों आधार कार्ड भी इसमें आपको डालने हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल आधार कार्ड के बेस पर सारा काम चल रहा है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, साइज कम करने के बाद दोस्तों फिर दोस्तों इसमें साइज देख लीजिए किस प्रकार दोस्तों आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया।